जुडिशरी को कहूँगा, प्लीज यू मस्ट अंडरस्टैंड, गिव मी अ वेरी फेयर ट्रायल। आई डोंट माइंड कमिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, माई फ्रेंड्स आर देयर, माई रिलेटिव आर देयर, मैं उधर ही आना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, यह मत समझे कि मैं पाकिस्तान आने से भाग रहा हूँ। मैं भाग कर कहाँ जाऊँगा? मैं यहाँ का बाशिंदा, मैं अंग्रेज़ बन जाऊँ? मैं नहीं बन सकता। ना मैं कहीं दुबई या सर उधर एमिराती बन सकता हूँ। आई कैन नॉट। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी ही रहूँगा। तो प्लीज़, जो भी 8-10 तो केसेस हैं जो मुझे याद भी नहीं, बिलीव मी, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर केसेस कौन से हैं। एवरी डे कोई ना कोई उठकर उल्टी सीधी बात कर देता है और ये हमारे जज जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। FIR नोटेड, ट्रायल शुरू। अब मैं कितने लॉयर करूं? हाउ मेनी लॉयर्स शुड आई हैव कि मेरे वो मुझे डिफेंड करते रहे? हाउ मेनी लॉयर्स? तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ऊपर से फिर चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भी बाज वक्त ऐसे रिमार्क पास कर देते हैं। तो मेरे ही लॉयर कहते हैं कि देखिए, ये रिमार्क में उनके एक अल्टीरियर मोटिव है। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप एक फेयर जस्टिस एंश्योर करें। जितने भी केसेस हैं ये सब, मैं ऑनेस्टली कहूँ, ये बकवास है। दे आर नॉनसेंसिकल एंड दे हैव ऑल। ये मेरे पाकिस्तान छोड़ने के 3 साल बाद ये इंस्टीट्यूट हुए हैं। ये बेनजीर का केस, इसमें मेरा नाम था ही नहीं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जब आई तो यही रहमान मलिक, दिस इडियट, ये इसने नई एक GIT बनाई, नई GIT बनाई, उन्होंने नई ट्रायल शुरू की, मेरा नाम डाल दिया। मेरा नाम कहाँ से आता है यार? मैं को सब बेनज़ीर के बिल्कुल मेरा नाम नहीं आता, लेकिन है, उसकी ट्रायल हो रही है। वो जी उधर वो एक अमेरिका में बैठा हुआ है, माँ इनका ये दोस्त, वो बेनज़ीर और इनका दोस्त था, वो झूठ बोल रहा है आगे आकर TV पे, झूठ बोल रहा है कि मैंने कोई मैसेज भेजा था बेनज़ीर को, जब तक मैंने कभी भी नहीं मैसेज भेजा। तो ये चीज़ें उसको मैं फेस कर रहा हूँ, तो आई विल कीप फेसिंग दम। ये मैं एडवाइस अपने वही लीगल एडवाइज़र से लूँगा, लेकिन जैसे मैंने सवेज तुम्हें कहा था ना, कितने लीगल एडवाइज़र मैं रखूँ? कोई अमेरिका से लूँ, कोई यहाँ से ले लूँ, कहाँ से लूँ मैं ये लीगल एडवाइज़र? तो उनसे जितने हैं वो उन्हीं से गुजारा हो रहा है, वो मुझे एडवाइस करते हैं। सही बात। और उनकी एडवाइस हमेशा अच्छी होती है, तो आई विल टेक देयर एडवाइस, क्योंकि मैं लीगैलिटीज लॉ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा। होने ना हक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। शावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में, शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।